हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। गाइस, 10:06 हो गए, काफ़ी लेट हो गया बिकॉज मैं रात को 3:30 सोया, 3:26 पर सोया था, क्योंकि एडिटिंग करनी होती है। फिर उसके बाद में मुझे कुछ चीज़ें व्हाट्सएप पर जो मेरे क्लोज हैं उन लोगों से मैं पूछते रहता हूँ कि भाई कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ या कुछ ब्लॉगिंग में क्या प्रॉब्लम है, क्या कमियाँ हैं। तो वो सब चीज़ें मुझे मतलब पूछना भी ज़रूरी है जब मैं किसी चीज़ को कर रहा हूँ, तो एटलीस्ट उसको ढंग से कर लूँ और उसको बेटर करने की कोशिश करूँ। तो इसलिए मैं लोगों से व्हाट्सएप कर लेता हूँ, क्योंकि कमेंट तो उन लोगों के पास भी पता नहीं कमेंट क्यों नहीं करते हैं। कमेंट करना चाहिए, जबकि उन्होंने कोई अगर प्रॉब्लम है तो मेरे को बता देना चाहिए। ठीक है, हो सकता है किसी वजह से नहीं करते हो, टाइम नहीं हुआ, बट हाँ बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे, काफ़ी लोग सपोर्ट कर रहे हैं, व्यूवर्स मेरे अच्छे हो गए हैं, सब्सक्राइबर माशाल्लाह बहुत अच्छे हो गए हैं, महीने भर में मेरे को काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला है, तो बहुत बहुत शुक्रिया भाई। मतलब मेरे पास वर्ड ही नहीं है कहने के लिए मैं कि आपसे क्या कहूँ, क्योंकि शुक्रिया के अलावा कोई ऐसा वर्ड ही नहीं बना है जिसके ऊपर कोई वर्ड हो, उससे भी ज़्यादा अच्छा लगता है मेरे को। और अब तो पता नहीं क्या मेरे को बहुत ही मतलब लोग कह रहे हैं कि मैं मतलब कुछ चीज़ें मैं बता ही नहीं पा रहा हूँ लोगों को, और मैं अपने मुंह से वो वर्ड जाहिर ही नहीं कर पाऊंगा। तो भाई बहुत बहुत शुक्रिया इस दिल से, मैं क्या बताऊँ आपको, मेरे को बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे। तो लाइफ में जो चीज़ें मुझे बहुत पहले करनी चाहिए थी वो मैं अब कर रहा हूँ आकर के, लेकिन कोई नहीं, देर से भी हुआ तो हुआ। और मेरा ये सब करने का कुछ ऐसा वो नहीं था, मैंने तो कुछ और सोच समझ के किया था, लेकिन यहाँ तो माशाल्लाह से मेरी बहुत बड़ी फैमिली बनते जा रही है। और कल मेरे को बड़ा ऑड लगा, जावेद भाई ने मुझे रात मैसेज किया, कह रहे थे आसिफ भाई आपने इग्नोर कर दिया मुझे, और मैं यकीन करिए आप मैंने बिल्कुल देखा ही नहीं उनको, और वो मुझे रात को मैसेज कर रहे थे कि आसिफ भाई मुझे इग्नोर किया आपने ऐसा वैसा, तो सॉरी यार भाई, अगर आपको लगा हो कि मैंने इग्नोर किया तो मैंने आपको इग्नोर बिल्कुल नहीं किया था और मैंने देखा ही नहीं आपको वहाँ पर। तो अभी फिलहाल बेड से उठने का टाइम हो गया है, तो कॉलगेट भी हो गया है और फेस वॉश भी हो गया है। तो फाइनली गाइस, मेरा नाना धोना सब एकदम डन हो गया है, सो मैं हूँ एकदम तैयार। मैं पहले बाहर का वेदर देख लेता हूँ, क्योंकि मेरे को थोड़ी बहुत आवाज़ें जैसी आ रही हैं, तो डर लग रहा है मतलब ऐसा ना हो कि बारिश हो रही हो, पहले बाहर का वेदर देखते हैं। तो मैं गाइस घर के बाहर खड़ा हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूँ बारिश भी हो रही है और थोड़ी थोड़ी धूप भी निकल रही है, देखिए आप, वो खतरनाक जैसा हो रहा है एकदम। तो गाइस, किसी को अगर धूप के और बारिश के मज़े लेने हैं वो भी एक साथ में तो नैनीताल में मिल जाएंगे आपको, जैसे कि मैं ले रहा हूँ, धूप भी निकल रही है और बारिश भी पड़ रही है। फिलहाल मैं जा रहा हूँ अभी बड़ा बाजार में, एक छोटा काम है वो भी कर लेंगे, किसी से मिलना है वहाँ पर, ज़्यादा दूर नहीं है जहाँ मैं जा रहा हूँ, मेरे को बहुत 2-3 मिनट लगेंगे मेरे घर से, मतलब इतनी दूरी पर है ये, सामने अंडा मार्केट है, बस यहीं पहुँचना था मुझे। क्या हाल है वसीम भाई? बढ़िया मेरे भाई। तो ये अपने वसीम भाई हैं, इनके पास ही मिलना आया था मैं अभी। तो वसीम भाई के पास 3 किडनियाँ हैं, तो इनकी 2 किडनियाँ मैं ले लूँगा, 1 किडनी के साथ इन्हें छोड़ के जाऊँगा अभी। तो वसीम भाई से सामान ले लिया, मेरा थोड़ा सामान था वहाँ रखा हुआ जो मैं ला गया हूँ, तो अब मैं इसको घर रख देता हूँ पहले। तो फिलहाल गाइस मैं आ गया हूँ घर पे, अभी बहुत टाइम से घर में ही बैठा हुआ था, एक फ़ोन आया और कुछ टेंशन हो गई थी, इस वजह से मैं कुछ कर नहीं पाया और ब्लॉग भी शूट नहीं किया, मूड बहुत ज़्यादा अपसेट हो गया था। तो अभी थोड़ा सा सोच रहा हूँ नीचे को चले जाऊँ मस्जिद के पास में, जबकि अब 5 या 6 बजने वाला है, काफ़ी टाइम हो गया। बट ये टेंशन वेंशन तो लगी रहेगी, मैं फिलहाल मस्जिद के पास आया हूँ और मैं यहाँ से थाने के पास जा रहा हूँ, उसको फ़ोन किया है, कुछ थोड़ा सा मन लगेगा उसके साथ घूमूंगा, तो वहाँ से जहाँ मन करेगा घूमने का वहाँ चलेंगे फिर। तो सामने अल करीम रेस्टोरेंट के पास में खड़ा हुआ है, तो आदिल भाई से मुलाकात हो गई, आदिल भाई करीम रेस्टोरेंट के सामने खड़े हुए हैं और सानी भाई भी बगल में है, तो अभी चल रहे हैं यहाँ से हम माल रोड घूमने के लिए। तो मैं सानी आदिल हम पहुँच गए रिक्शा स्टैंड पर, और उसके बाद फिर अभी हम जा रहे हैं बी एड तक घूमने के लिए, तो अभी माल रोड में है और यहाँ से थोड़ा घूमेंगे आगे तक का, क्योंकि एक्चुअली मेरा मन नहीं लग रहा था इसलिए मैं बाहर आया घर से। तो देखे सामने मॉल रोड पे घूम रहा हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा क्राउड नहीं देखने को मिल रहा है, पता नहीं आज मन नहीं कर रहा, लेकिन मेरा ना कुछ ज़्यादा कुछ बोल नहीं कर दिया। तो जस्ट पीछे मेरे शाने और आदिल हैं और वहाँ नैनी ब्लेड है, तो यहीं से हम लोग मतलब वापस हो जाएंगे, ज़्यादा आगे तक का नहीं जाएंगे, क्योंकि अभी नमाज़ पढ़ने का मन कर रहा है कि नमाज़ पढ़ लेते हैं कम से कम, मस्जिद तक जाऊँगा यहाँ से फिर अब। तो ये है मस्जिद, तो नमाज़ हो गई है माशाल्लाह, आदिल भाई के साथ में शाने, लेकिन अभी अंदर है उसको थोड़ा टाइम लगेगा। तो माशाल्लाह सब ने नमाज़ पढ़ ली है, अदीब भाई भी आ गए माशाल्लाह यहाँ पे और आदिल भाई भी हैं, तो अब जा रहे हैं सब घर, तो मैं भी यहाँ से घर को जाऊँगा, सबसे मुलाकात हो गई, थोड़ा मन लगा है अभी क्योंकि पूरा दिन बोरिंग जैसी हो गई थी। फिलहाल गाइस मैं आ गया हूँ घर पर, दिन में मेरा बिल्कुल मूड नहीं था आज ब्लॉग शूट करने का, कुछ प्रॉब्लम थी, कुछ पर्सनल इश्यूज़ थे जिसकी वजह से नहीं कर पाया, बट हाँ कल काफ़ी इंटरेस्टिंग ब्लॉग मिलेगा आपको। शाम को थोड़ा गया था मैं ट्राई करने कि मैं जाऊँ कुछ बेटर करूँगा, कुछ कर लूँगा शूट, शानी भाई से मुलाकात हुई, अदीप से मुलाकात हो गई शाम को, और आदिल भाई भी मिल गए थे, तो
थोड़ा ठीक लगा था, मन लग गया था, नमाज पढ़ने के बाद वापस आ गया। सो वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देंगे। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।